हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू राइडर उत्तराखंड। और फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं हम एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 6:30। यार गेटी, मैं सोच रहा ना मैं दरी से निकल जाऊँ है ना, वहाँ आके भी क्या ही करूँगा मैं। चल ठीक है, तब मिलते हैं, आराम से जाए। हाँ ठीक तब है, ओके चल तब मिलते हैं फिर है। तो ये अपना भाई केडी भाई, अपने ग्रुप का प्रो राइडर। तो भाई आया था कल रूम पे, जाने का प्लान तो कल ही था मेरा घर को, और भाई आ गया तो फिर ऐसा हुआ कि भाई आया तो फिर रुक ही गए, और मौसम भी ख़राब हो गया था यार, इस वास्ते तो बेकार ही आया मैं। मौसम भी ख़राब तो मतलब काफ़ी बारिश आई, जैसे कि आप रोड पे भी देख सकते हो और नदी का पानी भी देख सकते हो, पूरा कैनाल का पूरा गंदा सा हो गया। तो यहाँ पे छोटे से भंडारा का आयोजन किया गया है, सारे लोग लगे हुए हैं। हालांकि मैं नाश्ता करके आया था, पर मैंने सोचा थोड़ा रुक के लिया ही जाए, हर हर महादेव। वो थोड़ा श्रीनगर से थोड़ा ही आगे है, धारी देवी से जस्ट पहले हर हर महादेव, महादेव का प्रसाद लिया। अब निकलते हैं आगे को। वैसे नाश्ता तो मैं करके आया था, पर फिर भी खाने का प्रसाद लेके चलते हैं। चाय नाश्ता वगैरह पराठा परूठा सब व्यवस्था है बोलो वहाँ पर। अभी अपन चलता है आगे को। हमने पे माँ धारी देवी का मंदिर दिख रहा है, जय माँ धारी देवी, और माँ का आशीर्वाद हमेशा की तरह लेके यात्रा चली रही है, और यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर से दिखता है काफी अच्छा व्यू, हमेशा यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। ऐसा मार्केट है धारी देवी का, जय माँ धारी देवी। ये गेट है, माँ धारी देवी के भी ब्लॉग है मेरे, 2-3 ब्लॉग हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग मैं जब भी आता हूँ बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं। रुद्रप्रयाग में काफ़ी सारे बच्चे निकलते हैं स्कूल जाते हुए, क्योंकि मेरी टाइमिंग ये होती है कि मैं रुद्रप्रयाग में इस टाइम पहुंचता हूँ, और एक बच्चा मेरे पीछे भी है स्कूल वाला। अच्छा, ये है तेरा स्कूल? अच्छा, तो ये शिवम है। शिवम को हम लेके आ रहे हैं 15 किलोमीटर से। शिवम और शिवम का भाई था साथ में, तो मैंने गाड़ी रोकी तो बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला कि तू चले जा। चलो, मैंने कहा भाई एक ही को लेके जा आ पाऊंगा, वैसे भी एक ही आया हूँ। और परसों यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आग वाग लग गई थी ये आर्मी के कैंप में, भयंकर ही आग लग गई थी, पता नहीं किस कारण लगी। वीडियो वगैरह देखे थे मैंने, उसमें देखने को मिल रहा है पूरा मतलब ऐसा धुआं धधक रहा था भयंकर वाला। क्यों लगी, किस लिए लगी, ये तो मेरे को नहीं पता, पर बहुत ज़बरदस्त आग लगी थी इस साइड को। मेरा हो गया, स्कूलें भी मेरे को लग रहा बहुत सारी हैं यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग यूनिफॉर्म में बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो स्कूलें भी ठीक ठाक हैं भाई, 15 किलोमीटर से बंदा मतलब यहाँ पढ़ने आ रहा है। आप अगर आओगे ना उधर से, तो इतने सारे बंदे मिल जाएंगे आपको रास्ते पे, बच्चे लिफ्ट के लिए, कि मत पूछो। बोला यहाँ टीचर कम है,
तो इसलिए हम वहाँ जाते हैं बोला पढ़ने के लिए। हमने कहा यार ये भी ठीक है, बच्चे बच्चे हैं तो आराम से ही सर, कोई लोड नहीं। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के तो मेरे को अभी तक दो ही बच्चे दिखे, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत ही ये है, क्यों जाएगा बच्चा वहाँ पर। सरकारी स्कूलों की हालत तो बहुत खराब है। अभी यात्रा खुल गई तो आप भीड़ देख सकते हो, यहीं से मिलती है केदारनाथ वगैरह को गाड़ियाँ, तो भीड़ बहुत खतरनाक होने वाली है धीरे धीरे। भाई बद्रीनाथ है यहाँ से 157 किलोमीटर, जोशीमठ है 113 किलोमीटर और केदारनाथ है आपका 89 किलोमीटर। तो बाबा HR के लोग भी आ गए थे, बद्रीनाथ केदारनाथ की कृपा बनी रहे आप लोगों पर भी और मेरे पर भी। तो हम चलते हैं बद्रीनाथ अभी। तो गाइस अभी पहुंच गए हम कर्णप्रयाग, कर्ण जी का मंदिर है यहाँ पे। और बोलते हैं आप लोग पूछते हैं कि अब मेरा गांव किधर है, मेरा घर किधर है। नीचे भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, कर्णप्रयाग तो है काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़ा। एक रोड नीचे है, मिड में मैं चल रहा हूँ, एक रोड इससे नीचे है और एक रोड ऊपर है, तो काफ़ी बड़ा है कर्णप्रयाग। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में और दादी जी की उम्र बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को। कर्णप्रयाग में पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया 8:30 और यहाँ के पेट्रोल पंपों में ना आपको पानी को मिले, पानी मिलेगा पीने को, ना ही आपको हवा मिलेगी, ना ही आपको शौचालय वगैरह मिलेगा, टॉयलेट। यहाँ के पेट्रोल पंपों में आपको कुछ नहीं मिलेगा, हवा तक मतलब नहीं मिलती है। यहाँ हुआ श्रीनगर भी है, ऐसे ही है सेम जैसे देवप्रयाग में है वैसी यहाँ पे भी है, देख सकते हो आप, ये पीपल का पेड़ है, जय भोले। और यहाँ से हम निकल जाते हैं, ये रोड जाती है बद्रीनाथ को और जिस पे मैं चल रहा हूँ ये जाती है अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल साइड को, ग्वालदम, देवाल, थराली, कुलसारी। और जो जहाँ से मैंने टर्न लिया वो रोड जाती है बद्रीनाथ, तो यहीं से हमारा थोड़ा डिवाइड हो जाता है। यहाँ से मेरा घर पड़ता है 40-50 किलोमीटर, जो मेरा गांव है, हमारा पैतृक गांव। यहाँ से शिमली है 2 किलोमीटर और सामने पे पिंडर नदी बह रही है, ये नदी उल्टी बहती है, तो सामने पे पिंडर नदी बह रही है। और मतलब गर्मी का तो कुछ फील ही नहीं है अभी भी, मतलब ठंडी हवा चल रही है और ठंडा लग रहा है, सुबह का टाइम तो काफ़ी ठंडा है इधर को। कल बारिश है तो उस चक्कर में जो है कि नदी का पानी काफ़ी गंदा सा हो रखा है, वेदर अभी भी मतलब तोड़ फोड़ चली रही है थोड़ी, ये थोड़ा रिस्क करेगा बरसात के टाइम पे, क्योंकि जो ये पत्थर हैं ये टूटते रहेंगे जब तक ये सेट नहीं हो जाते,
और ब्लास्टिंग भी करी है, तो पूरा चट्टान जो है वो हिल रखी है इधर की। आगे और भी ज़बरदस्त स्पॉट हैं इससे। ये तो तब भी काफ़ी सही है, अब तो मतलब काफ़ी बन चुका है, काफ़ी हद तक सही हो चुका है। ये पोर्शन अभी बचा हुआ है काटने के लिए, ये अभी काटा नहीं है, तो इसकी कटिंग भी होने वाली है शायद। पहले उधर वाला कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको काटना शुरू करेंगे। पर ये बहुत रिस्की है, यहाँ फिर ऊपर से पत्थर गिरते रहेंगे। बस ऐसी गुफा टाइप थी पहले, ये भी टूटा हुआ था। बस इतनी रोड थी जितने में मैं चल रहा हूँ, ये अभी हाल ही में बनाया इन्हें, क्योंकि नीचे नदी है तो नदी का फोर्स लगता है इधर को, फिर ये ऊपर से टूटता रहता है। ठीक है भाई, ओके। भाई दिल है कि मानता नहीं, तो ये भाई को भी 7-8 किलोमीटर से ही लिफ्ट दिया होगा। अभी हम मींग अधेरा में पहुंच गए हैं, मींग अधेरा। तो अभी ठंडा ज़्यादा इलाका है यार, अपने इलाके में आने का कुछ अलग ही फील होता है, मतलब अपना सपन। ये नीचे पॉली है, पॉलिटेक्निक, और ये हमारा स्कूल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा जुड़ी है यहाँ से भी। और ये पॉलिटेक्निक की बालिकाएँ और बालक, ये आज पिंडर अपनी जय भैरव का पिंडर अपनी काफ़ी मैली हो रही है, ये पॉलिटेक्निक के बालक। यहाँ से अपना मार्केट स्टार्ट हो जाता है। मतलब अलग ही फील होता है यार अपना उधर आके ना, तो यहाँ से अपना मार्केट स्टार्ट हो जाता है।